कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा की गई हिंसक झड़प के बाद चीन के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। यहां राजनीतिक दलों सहित व्यापारी संगठन और महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने चीन के पुतले को चप्पलों से पीटा और उसमें आग लगा दी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से चीन पर कड़ी कार्रवाई कर मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। चाइना द्वारा जो धोखेबाजी की गई, हमारे 20 सैनिकों के शहीद हुए, उसके विरोध में पूरे जनता में उबाल है। इसी उबाल के तहत आज हम लोगों ने चाइना का बहिष्कार किया और चाइना के प्रेसिडेंट को और चाइना सरकार को जूते मारने का हम लोगों ने काम किया है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। बैठक में सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वो सभी अपना काम नियमित समय में पूरा कर लें। लगभग फरवरी के बाद आज मीटिंग की है और इसमें कई कार्य हो भी रहे हैं ऑलरेडी, खासकर जल संयोजन का और सीवर लाइन का और जल निगम की लाइन का कार्य ऑलरेडी चल रहा है। कुछ कार्य पीछे रह गए हैं और अब इसको गति दी जाएगी, जिससे कि जो है अयोध्या को एक मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। फरुखाबाद के भोलेपुर क्षेत्र में ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर वहां दोबारा अतिक्रमण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के जद में आने वाले वहां स्थित हनुमान मंदिर सहित कई घरों पर जेसीबी चलाई गई। इस दौरान विरोध करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि मंदिर तक अतिक्रमण हटाया गया है, अब इसके आगे का अतिक्रमण हटाया जाएगा। पहले से ही हटाने का यहाँ चल रहा है और ये हमारी जो मुख्य मार्ग है फतेहगढ़ चौराहे से लेकर के मऊ दरवाजे तक, मेन रोड जो फतेहगढ़ फरुखाबाद की है, इसमें सभी अतिक्रमण हटेंगे, एक चरणबद्ध तरीके से हटेंगे। बाकी एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है, लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, एक हफ्ते के बाद अपना अतिक्रमण। अयोध्या के संतों में भी चीन के खिलाफ बेहद नाराजगी है। सरयू तट पर रामलला ट्रस्ट ने चीन के खिलाफ पोस्टर लगाए और यज्ञशाला को बंद कर उसके सामने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में वैदिक ब्राह्मण भी शामिल हुए। इसके अलावा शहीदों की आत्मा की शांति के लिए संतों द्वारा यज्ञ भी किया गया है। रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्किराम की मांग है कि भारत सरकार चीनी सेना द्वारा किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दे। चीन से प्रतिशोध शहादत का बदला लेने के लिए संत समाज ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के से मांग किया है और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हमें शहादत के साथ साथ आकसाई चीन और कैलाश मानसरोवर भी चाहिए। इसके लिए एक दिवसीय उपवास रख करके मांग की गई है और अपने शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष यज्ञाहुति का कर्म भी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया है। लखनऊ से पूर्व सांसद और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनके जल्द ठीक होने की कामना लेकर चौक क्षेत्र के गुरु सिंह सभा लाजपत नगर गुरुद्वारा में भजन कीर्तन किया गया, साथ ही गुरु महाराज के चरणों में अरदास की गई। इस दौरान महंत धर्मेंद्र दास और लाजपत नगर वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। और उनकी तबीयत बहुत स्वस्थ है, ऐसा रिपोर्ट आई, तो आज हम लोग उनके लालजी टंडन जी के स्वास्थ्य अच्छी हो गया और उनके जल्दी स्वस्थ हों, इसलिए हम लोगों ने आज अरदास पाठ और हमारे कीर्तन साहब का पाठ किया गया। लाजपत नगर हमारे रागी साहबान लोगों ने पाठ किया और यहाँ की पूरी बनाती। अनामिका शुक्ला मामले में गिरफ्तार जसवंत सिंह पर कन्नौज बीएसए ने जांच कराकर एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली में विभव की डिग्री पर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले जसवंत को फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। बीएसए ने यह कार्रवाई कासगंज एसपी के पत्र पर की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ओझा ने बताया कि जसवंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जल्द ही उसे वेतन रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। में
विभव कुमार सिंह, पुत्र विनोद कुमार सिंह, ये सहायक अध्यापक विज्ञान उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर बरौली हसेरन कन्नौज में 22/9/2015 से कार्य कर रहा था। एसपी काजगंज एवं थाना सौरों से ये पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और इसने जब ये कबूला कि मेरा नाम जो है जसवंत सिंह है, मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो जैसे ही मुझे ये सूचना मिली एसपी कासगंज द्वारा हमें पत्र भी प्रेषित किया गया जिसके अनुपालन में और मैंने एक त्रिसदस्यीय सदस्य समिति बनाई जिसकी जांच आख्या के आधार पर मैंने इसे तत्काल प्रभाव से नियुक्ति तिथि से इसको जो है बर्खास्त कर दिया, इसकी सेवाएं समाप्त कर दी। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क माफ किए जाने के बावजूद फतेहपुर की सब्जी मंडी में किसानों और व्यापारियों से पहले की तरह ही मंडी शुल्क की वसूली की जा रही है। इससे नाराज व्यापारियों ने आदर्श मंडी स्थल राधानगर में धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर मंडी शुल्क वसूली और लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त न की गई तो इसके विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा, जिसमें किसानों और कृषि उत्पादों के व्यापार से जुड़े लोगों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की गई है। ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बात की नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने आश्वासन भी दिया, मगर आश्वासन के बाद भी ये गोलमोल जो उनका हो रहा है और फिर से किसानों पे भार पड़ रहा है, तो इसके लिए हम अपने अध्यक्ष जी के अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जिस तरह से भी इस पर निपटना होगा। हम लोग अपने व्यापारियों के लिए, अपने उसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में सफर कर रही एक महिला और उसकी बेटी के साथ बस परिचालक ने अभद्रता की, जिसके बाद महिला ने थाने के सामने बस रुकवा कर जमकर बवाल मचाया। महिला पुलिस कर्मचारियों ने पीड़िता की मदद करने के बजाय उल्टा उसके और उसकी बेटी के साथ छीना झपटी की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिस की इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ में ये बैठा था लड़का, एक का नाम है तुम्हारा सलीम, तो मैंने कहा सलीम और नेहा का मोबाइल लगा दो, थोड़ा बात करनी हो रही, तो बोला कि ठीक, मेरे को मेरे मोबाइल टावर नहीं है, इसने मेरे को बात कराया, तो इस लड़के से कह रहा है कि घूर घूर के तू देख रहा है और तुझे मैं पकड़ के पटक दूंगा, उल्टा सीधी गाली गलौज करने लगा और कह रहा था तुझे नीचे गिरा दूंगा मारूंगा। तो फिर मैं तो नहीं बोली उसके समय, जब ज़्यादा बातें करते रहा तो फिर मैं बोली, मैंने कहा देखो किसी को गाली दे देना, मेरे से बात कर रहा है और तुझे मारना हो तो अकेले में मारना, जो कुछ तुम्हें कहना हो तो कहते रहा। उसकी बहन से बोला तू बदतमीजी करेगी तुझे नीचे पटक दूंगा, तू अपने आप, वो शाहिद खान था। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर या स्वैप कर आम लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। पुलिस ने इस गैंग के सरगना समेत 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 12 ATM कार्ड और नकदी के साथ पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। और कार्ड स्वैप करके लोगों के पैसे जो है धोखाधड़ी करके निकाल रहे थे क्रिमिनल्स। इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, अभी पूरा हम लोगों ने गैंग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें 5 ऐसे साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके पास से कार्ड की क्लोनिंग के डिवाइस और इस तरह के जो उन्होंने 12 कंप्लेंट हमारे यहाँ थे, 12 कंप्लेंट में उनसे सीधे कनेक्टिविटी बन रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है, पूरा ये गैंग 24 लोगों का गैंग है। ये जो गैंग लीडर है ये नवीन गौतम, ये 14 बार इसी तरह के अपराध में, कार्ड क्लोनिंग में, कार्ड की स्वैपिंग में, कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड है उसके ये मास्टर है, 14 बार जेल जा चुका है। अब मैंने ये किया है कि इनका अंतर इंटर रेंज गैंग रजिस्टर कराने के लिए संस्तुति कर दी है। ये गैंग के सदस्य मुख्यतः दीदारगंज और आजमगढ़ के और कुछ जौनपुर एरिया के हैं। तो इस तरह से ये इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराया जा रहा है, इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। लद्दाख में शहीद सिपाहियों के लिए लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर लोगों ने इकट्ठा होकर एंटी चाइना के पोस्टर और बैनर हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने लोगों से चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील भी की है।
में अभी परसों रात्रि में जब हुआ, जो उन लोगों ने अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी उसको उन लोगों ने उस तरीके से तोड़ करके वहां पे आ करके हमारे सिपाहियों के साथ अभद्रता किया, वहां पे मारपीट किया और उनकी चीज़ों को जो चीन करता आ रहा है शुरू से लेकर के आज तक उसकी यह रही कि अपनी धृष्टता में बातें कुछ करता है लेकिन मौके पर अन्य चीज़ों को ले आकर के आ जाता है, हर वक्त उसकी गुंडाई करना और चीज़ों को करना। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस चीज़ को लेकर, अपने भारतवर्षियों सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन हम ही से कमा करके और उलटने से हम ही से पलटवार करता है। तो मैं एक भारतीय जनता से, सब लोगों से, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से एक गुजारिश करूंगा कि हम लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि किसी भी प्रकार का कोई भी चाइना का कोई भी सामान हम लोग आज के बाद से नहीं खरीदेंगे।